बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो ये कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही बड़ा बून है, मतलब एक तरह से उनके लिए इससे बढ़िया बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि ऑल इंडिया जिनकी जो बहुत ही एवरेज हुआ करते थे, उन्होंने इसको इतनी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और बेसिकली वो डिसिप्लिन रहे, उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन रखा। डिसिप्लिन रखने के साथ साथ उनके पेरेंट ने उनको सपोर्ट किया। बेसिकली डिसिप्लिन ऐसे कोई नहीं रहता, सेल्फ डिसिप्लिन आपको पता है बहुत कम लोगों में है, हार्डली यू नो 0.1% में। तो जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है और बच्चे को फिर जब एक बार मज़ा आने लगता है तो वो बहुत बेनिफिट ले सकता है। बट मैक्सिमम बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एक इल्यूजन में थे, उन्हें लगा कि यार हम घर पे हैं और मेरे पास रिसोर्सेज मेरे मोबाइल में, मेरे टैब में, मेरे कंप्यूटर में है, तो मैं कभी भी इसे ले सकता हूँ। और ये जो सिस्टम होता है ना बच्चों का कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अरे आज रात में पढ़ लूँगा, तो वो उनको बहुत नुकसान किया। और ये मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, जो ऑनलाइन है उसमें ज़्यादातर बच्चों का नुकसान हुआ है, मीडियोकर बच्चों का नुकसान हुआ है, या वो बच्चे थे जिनका फंडामेंटल थोड़ा वीक था, या वो बच्चे हैं जिनके पर जिनके पेरेंट उतने अवेयर नहीं हैं, या वो पेरेंट जो सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा अगर खुद कर रहा है तो करेगा, या वो बच्चा जो उन पेरेंट बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो बच्चे थोड़े डिसिप्लिन नहीं है, मोबाइल देख लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, कुछ भी देख रहे हैं। बिकॉज यू नो एक बार आप चले गए तो आपके पास इनफाइनाइट चीज़ें आएंगी, और आपके पास जब इनफाइनाइट चीज़ें आती हैं तो आपका टाइम ऐसे किल करती है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सब सिस्टम है जो ऑनलाइन को नुकसान कर रहा है। ओवरऑल अगर रेटिंग मुझे देखा जाए तो मैं ऑनलाइन को नुकसान ही मानता हूँ। हाँ, बेनिफिट है उसके, अगर हम डिस्कस अलग से करें तो जैसे बेनिफिट है कि आपका टाइम बचा देता है, और इफ़ यू हैव गुड गैजेट्स सो यू कैन हैव यू नो गुड क्वालिटी ऑफ पिक्चर, गुड क्वालिटी वीडियो देखो, और आप घर पे एक्सरसाइज करो, तो चीज़ों को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, लर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो आपका टीचर आपके घर पे है, यू नो पूरे इंडिया में कहीं भी टीचर है वो आपके घर पे है, यू कैन क्लियर और कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स, बट पैरेलली यू डोंट हैव यू नो एक्सेस ऑफ योर टीचर डायरेक्टली। जो टीचर आपको डांटता है आप डरते हो, एक फियर फैक्टर होता है कि अगर आपको आप अच्छा नहीं करोगे तो आप डांट खाओगे, एक पीयर प्रेशर होता है कि सारे बच्चे तो सॉल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो एक मिसिंग हो जाता है। फिर आपको रहता है कि यार सबसे पहले मुझे करना है, मुझे टीचर पसंद करते हैं तो मैं अपने टीचर को लेट डाउन नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो एक फैक्टर है जो आपको मोटिवेट करता है क्लास में। थोड़ा फ़न होता है वो भी ज़रूरी है, कई बार बच्चे घर से जब बाहर निकलते हैं और इंस्टीट्यूट में आके पढ़ के जाते हैं तो पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते हैं, और 24 घंटे में वो रिचार्ज उनको चाहिए होता है इस एज में, तो वो उनको एक मोटिवेट करता है और थकाता नहीं है। घर में बैठ के बोर हो जाते हैं, थोड़ा शाई हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द बच्चे तो वेट गेन कर ले रहे हैं तो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हाँफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये मेरा ये पूरा, हम लोग इस टाइम राजपुर रोड पे हैं, यहाँ पे भी मैं अगर, हालांकि कोई एग्जांपल नहीं है लेकिन देखो कोई पैदल वैदल नहीं चल रहा है, तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। इतने टाइम बच्चों को मुझे लगता है कि थोड़ा घूमना उमना चाहिए। इतने टाइम अगर बच्चे की क्लास नहीं है, जैसे मॉर्निंग बैच के बच्चे हैं उनको इवनिंग में एक घंटा वॉक करना चाहिए, 45 मिनट तो वॉक करना ही चाहिए, मुझे लगता है सब मोबाइल में घुसे होते हैं। तो गैजेट्स का मेरे हिसाब से उतना बढ़िया यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए, और इस एज में डिसिप्लिन अपने आप आना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू रेस्ट्रिक्ट देयर यू नो यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, गैजेट्स। पेरेंट्स अगर साथ में रह रहे हैं तो दे शुड यू नो स्पेंड टाइम विद द किड्स, और वो गैजेट को दूर रखें। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको पास में रखोगे तभी वो, या आप उनको दोगे तभी आप उनको प्यार करते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए बड़ी सीख है कि वो गैजेट्स को दूर करें, इनकरेज करें, अपने साथ घुमाएं बच्चों को। और यार एक साल बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह तो ना करो, यू नो बर्थडे सेलिब्रेशन पे जा रहे हो, दोस्त के बर्थडे पे जा रहे हो, केक कट रहे हो, थोड़ी सी पार्टी के लालच में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बर्थडे तो आपका बहुत आएगा, बहुत मस्ती कर सकते हो आप, इस साल ना करो। इस साल अगर आप बर्थडे करते हो तो आप टाइम किल करते हो, और वो जो एक बार पार्टी करते हैं ना तो केवल एक डेढ़ घंटे का लॉस नहीं होता, पूरे टाइम का लॉस होता है। तो ये सब फैक्टर्स है मुझे, मेरे हिसाब से आप सबके लिए है बच्चों। तो यार हमेशा ऐसा मत सोचना कि मैं केवल पढ़ाई के लिए आपको बोलता रहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, आप रेस्ट ऑफ द लाइफ इंजॉय करते हो पढ़ाई से, तो ये एक ऐसा मीडियम है जो आपको यू नो आपकी जनरेशन चेंज करके रख देता है। तो आई होप कि तुम लोग इसको फॉलो करोगे, और ये नॉर्मल बात है मेरी, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ज्ञान देता रहता हूँ, तो मैं भी ऐसे करता था मस्ती, लेकिन आई वॉज डिसिप्लिन यू नो, दोज हु एवर इज डिसिप्लिन वॉज डिसिप्लिन,
वो अच्छा कर रहा है करेगा और नेचुरली वो बाद में और इन्जॉय कर सकता है, एक हैबिट पड़ जाएगी आपकी। तो यही बातें हैं आपके लिए। तो ऑनलाइन थोड़ा कम करो, तो उसको बेस्ट यूज़ करो अगर आप करना चाहते हो, ऑफलाइन बढ़ा दो, यही बताना था। सही है, थैंक यू।